दोस्तों मैं जेपी भाकर, आज हम सामान्य विज्ञान थर्ड पढ़ेंगे, जिसके अंदर पार्ट थर्ड है हमारा। इससे पहले हमने दो पार्ट डाल दिए थे। इसके अंदर हम राजस्थान पुलिस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेते हैं, जो भी विज्ञान के जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे लेंगे इसमें, और पिछले दो पार्ट में भी हम ले चुके हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि राजस्थान पुलिस भर्ती में ये आए हैं तो दूसरे एग्जाम में नहीं आएंगे, दूसरे एग्जाम में भी आएंगे और राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में भी दोबारा आने की संभावनाएं बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है इनके आधार पर भी कुछ आ जाए क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? दोस्तों सूर्य की जो रोशनी है वो 7 रंगों का मिश्रण है। इसमें सही आंसर 2 होगा। वो 7 रंग कौन कौन से है वो मैं बता देता हूँ। बेनी आ पिनाला, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। बेनी आ पिनाला यानी बे से आपका बन गया दोस्तों बैंगनी कलर, नी से बन गया आपका नीला कलर, आ से बन गया आसमानी कलर, है से बन गया हरा, और पी से बन गया पीला, और ना से बनेगी बन गया नारंगी, और ला से बन गया आपका लाल। तो ये 7 कलर है वो सूर्य के प्रकाश का मिश्रण है, और इनसे मिलकर आप कौन सा सफेद कलर दिखाई देता है ना दोस्तों, वो तो ये है 7 कलर दोस्तों। ये तो इसको आप याद रख सकते हो, बेनी आ पीना ला से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे एग्जाम में जब पूछा जा चुका है, रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? और शायद आप में से तो कई इस क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर भी दे दिए होंगे, आंसर ये विकल्प भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको तो। और दोस्तों इसका सही आंसर हो कि भूकंप की तीव्रता। इसके अलावा दोस्तों ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन जिनका लगभग काम नहीं पड़ा है इससे ईसीजी से, उनको नहीं पता होगा कि दोस्तों कई तो कहते हैं मस्तिष्क का, कई कहते हैं हृदय का। तो दोस्तों मैं यहाँ बताऊंगा इसका सही आंसर हृदय। जो ईसीजी है वो हृदय की धड़कन को मापने के लिए काम में ली जाती है विशेष तौर से। तो इसमें दोस्तों सही आंसर हृदय होगा। सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? दोस्तों सूर्य का जो ताप है वो पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 नाम दिए हैं, चालन, सवन और ये सभी। तो दोस्तों मैं इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट से बता देता हूँ कि ये होते क्या है। दोस्तों जो चालन होता है वो होता है जैसे दोस्तों आप पे किसी भी रोड को, जैसे लोहे की वस्तु है उसको गर्म करते हो आप, जैसे लोहे की वस्तु है जैसे मान लीजिए ये गर्म करते हो दोस्तों, तो इसमें क्या होता है जैसे यहाँ से गर्म करोगे ना दोस्तों तो यहाँ तक गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा। यानी सबसे पहले यहाँ पे जो इसका जो परमाणु है वो गर्म होगा, इस गर्म होने के बाद में वो ऊष्मा आगे के लिए इसको देगा, वो इससे अगला इसको देगा। तो यूं दोस्तों यूं गर्म होते होते परमाणु गर्म होते होते पूरा गर्म होगा, यानी एक साथ पूरा चीज गर्म नहीं होगी। जहां पर ऊष्मा मिलेगी यहाँ अगर आप ऊष्मा रखोगे तो धीरे धीरे यहाँ गर्म होता जाएगा, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों चालन। और ये चालन विशेष तौर से ठोस वस्तुओं में होता है। तो जो ठोस वस्तुएं होती है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, चालन प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे कोई भी लोहे की वस्तु गर्म, या कोई भी धातु की वस्तु को गर्म करना, तो ये सारी क्या होता है दोस्तों, चालन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों सवन, सवन विशेष तौर से जैसे आपने चाय को कभी उबाला होगा, चाय तो लगभग बनाते होंगे या बनाते हुए देखी होगी, तो दोस्तों जैसे भी हो पानी गर्म करते हुए देखा होगा। तो दोस्तों मैं आपको चाय का उदाहरण ले रहा हूँ। चाय में क्या होता है जैसे दोस्तों जब उबाल आती है तो जो नीचे वाली जो है वो नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से दोस्तों नीचे आती है, ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा है दोस्तों? तो इस सवन में भी ये होता है कि यहाँ से जैसे मान लो ये गर्म हो रही है तो दोस्तों यहाँ से ये जो परमाणु है ये गर्म होकर ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर वाले को ऊष्मा देगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये नीचे से ऊपर की ओर आते हैं और ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, यानी जो गर्म है वो ऊपर आएंगे और ऊपर वाले जो ठंडे हैं वो नीचे की ओर आएंगे, और जैसे ही ऊष्मा मिलेगी वो वापस ऊपर आ जाएंगे। और ये दोस्तों ये प्रक्रिया होती है द्रव्य के अंदर, ठीक है दोस्तों? इसी प्रकार दोस्तों विकिरण, विकिरण में किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो सीधी किरण आ जाती है उसको कहते हैं हम दोस्तों विकिरण। जैसे आपने बल्ब जलाया दोस्तों, बल्ब का जो प्रकाश पहुंचता है वो आपको किस माध्यम से पहुंचता है, एक विकिरण के माध्यम से आपके पास पहुंचता है। तो इस प्रकार से मैंने इन तीनों को समझा दिया है कि कैसे कैसे ये होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? दोस्तों शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्य रोगाणुओं का नाश करना होता है, रक्तलक्षता दूर करना होता है, ऑक्सीजन का सेवन करना होता है, या रक्त को गाढ़ा करना होता है। चारों में से एक है ऑप्शन। और दोस्तों मैं कहूंगा कि यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन 3 सही होगा, इसमें ऑक्सीजन का सेवन करना। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन का सेवन, ध्यान रखना। बाकी ये तीनों चीज नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का सेवन है। अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? दोस्तों जो अफीम होती है उसमें से जो औषधीय महत्व का जो है वो है कच्चे फलों का दूध। और विशेष तौर से जो ये अफीम है ये चित्तौड़ की तरफ की जाती है, जो चित्तौड़ के आसपास का इलाका है वहां पे अफीम सर्वाधिक की जाती है दोस्तों। और अफीम में आपने वहां पे सुना होगा तो एक सांवरिया सेठ का मंदिर भी है चित्तौड़ के अंदर, जहां पे उसको अफीम का मंदिर कहते हैं या जो भी है जैसा। तो वो चित्तौड़गढ़ के लिए अफीम फेमस है और इसके कच्चे फलों का दूध है वो औषधीय महत्व का है। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की इकाई, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रिएक्टर वाला, और ये बहुत बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डेसीबल। की ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसीबल है। बाकी देश देखो दोस्तों ईयरफोन हेडफोन ये सुनने के है ना, अल्ट्रासाउंड तो अलग हो गया, आपके सोनोग्राफी जिसको आप बोल रहे हो वो हो गया, और ये डेसिबल ये क्या है, एक मात्रक है। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा उड़द। बाकी देखिए गन्ना चावल गेहूं इनसे इतना नहीं होता है जितना उड़द से भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखते ही आप क्या कहोगे, दालों में। और दालों में भी किसको, दालों का राजा किसे कहते हैं, चने को, चने की दाल हो उसको। तो निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ पे 3 नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यहाँ पे पूछा है नहीं है। जहां पर भी कोई चीज नहीं का होता है इसका मतलब उसमें 3 चीज तो क्या होती है, सेम होती है, और एक चीज क्या होती है, अलग होती है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा लेते हैं हम, क्या सौर ऊर्जा से कोई मिलता जुलता है? दोस्तों है, पवन ऊर्जा आ गया। अब दोस्तों पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये दोनों हमें प्रकृति से मिलती है, हम इसको उत्पन्न थोड़ी कर सकते हैं, ये तो हमें प्रकृति से मिलती है। इसके अलावा दोस्तों तापी विद्युत ऊर्जा ये भी हमें प्रकृति से मिलती है, बायोगैस जो गोबर से मिलती है उसको तो हम पैदा करते हैं ना दोस्तों। तो ये क्या होगा, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये क्या पुनः प्राप्त हो सकते हैं, जबकि ये बायोगैस पुनः प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से इसका आंसर सही होगा बायोगैस। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों जब हमें उल्टी और दस्त शुरू होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या देता है, आपने देखा होगा कि वो क्या देता है, एक पाउडर थैली देता है, और उसमें वास्तव में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड आपने नाम सुना है दोस्तों, NaCl। और NaCl को क्या कहते हैं दोस्तों, नमक, यानी एक नमक का घोल, यानी नमक की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब भी हमें उल्टी और दस्त हो तो हमें नमक और शक्कर का घोल पीना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है ये, और इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, साइनाइड ठीक है। पित्तल निम्न में से किसकी मिश्रित धातु है? और दोस्तों यहाँ पे मिश्रित धातु पित्तल और कांसा हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर ले तो बेटर होगा। और इसमें सही ऑप्शन होगा इसका तांबा और जिंक। दोस्तों ये तांबा और जिंक है, इन दोनों का मिश्रण होता है पित्तल। इसके अलावा आप जो तांबा और टिन है ये किसका होता है, कांसे का मिश्रित धातु होती है। तो कांसा और पीतल में आप फर्क समझ ही गए होंगे दोस्तों कि पीतल का क्या हो जाएगा, तांबा प्लस जिंक। इसके अलावा फ्यूज तार बना होता है दोस्तों, जो फ्यूज तार है वो
किस चीज का बना होता है दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप। वो देखिए दोस्तों, प्लेटिनम तो बहुत महंगी धातु है, ये तो सोने से भी महंगी धातु है, तो प्लेटिनम का थोड़ी बनाएंगे हम फ्यूज तार। अब दोस्तों एल्युमिनियम हो सकता है, तांबा हो सकता है, या टिन और शीशा हो सकता है, इनमें से हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मिश्रित धातु हो गई, तो वो एक जो फ्यूज का तार होता है वो मिश्रित धातु होता है, और वो मिश्रित धातु होता है टिन व शीशे की। तो वर्तमान में जो फ्यूज तार है वो प्राय शीशा और टिन का होता है, जिसमें शीशा 37% होता है और टिन 63% होता है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, ये वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपके जनरल साइंस में भी काम आता है। जब भी दोस्तों आपको यूनिट निकालना होता है तो आप क्या करते हैं दोस्तों, जो भी आपको वाट दिया होता है उसको आप लिख लीजिएगा। आपके पास समय जो भी दिया होता है, जैसे यहाँ पे आपके पास आधा घंटा दिया है, तो मैं आधे घंटे को क्या लिख देता हूँ, 1/2 लिख देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों दिन यहाँ पे कोई दिया हुआ नहीं है तो मत लिखिएगा, अगर दिन दिया होता है तो आप लिख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब बराबर में आएंगे तो दोस्तों 2 से ये जाएगा 1000 आ जाएगा, और दोस्तों जो भी आंसर आता है उसके अंदर आप क्या कर दीजिएगा, 1000 का भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी दूसरे यूनिट है वो आप निकाल सकते हो। कि कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो आपके पास वाट दिया होता है वो लिख लो, समय जो भी आपके पास, घंटा जो भी दिया होता है वो लिख लो, घंटे में भी लिखना है, मिनट में नहीं लिखना है दोस्तों, घंटे में लिखना है। इसके अलावा पास दोस्तों आपके पास जो भी दिन दिए होते हैं वो दिन लिख लो आप, और इन तीनों को गुणा करके